हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू फूड ब्लॉग। तो चलिए आज बनाते हैं मेरे स्टाइल से एक नई रेसिपी। नई रेसिपी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे स्टाइल से बनेगी। तो मैं बनाने वाली हूँ आज बैंगन की कलांजी। फ्रेश बैंगन मार्केट से लेके आई हूँ। ये माप में देखें तो आधा किलो है और इसको पहले साफ़ पानी में डाल के हम साफ़ कर लेंगे, अच्छे से इसके ऊपर की गंदगी क्लीन कर लेंगे क्योंकि हम छिलका नहीं हटाने वाले हैं, तो छिलके के साथ बनने वाली हैं। अब इनमें हम चीरा लगा के चेक कर लेंगे कि अंदर कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। वैसे तो इस समय नहीं आते हैं कीड़े, लेकिन फिर भी एक चीरा लगा के देखना ज़रूरी है क्योंकि इसी चीरे के अंदर हम सारे मसाले भरने वाले हैं। तो सारे के सारे बैंगन को मैंने ऐसे चेक कर लिया है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सफ़ेद और जो बैगनी वाले बैगन आते हैं उसकी कलौंजी भी बना सकते हैं, जो पतले पतले लंबे वाले आते हैं। आज फ़िलहाल मार्केट में मुझे यही मिला था तो मैं यही लेके आई हूँ। अंदर से इसमें सॉफ्ट है, मतलब बिया कम है तो अच्छे से बन जाएगा। तो सारे बैगन मैंने चेक कर लिए। ओ माय गॉड, ये लास्ट वाले में मुझे थोड़ा सा काला काला दिख रहा है, कीड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ काला काला है, तो इसको हम हटा देते हैं। और चलिए पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने प्याज काट लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज हम ले रहे हैं। तो थोड़ा डिफरेंट है मेरा तरीका बनाने का, इसलिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई अलग से आपको मसाला वसाला नहीं तैयार करते हैं, जो आपके घर में रेडीमेड चीज़ें पड़ी होंगी उन्हीं से आज मैं बनाना बताऊँगी। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट कर लिया है। इसमें हम एक मुट्ठी भर के लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे तीखेपन के लिए। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च डालने से थोड़ा सा फ्रेश फ्लेवर आता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी यूनिक वाली रेसिपी की वीडियो बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो प्याज मैंने कट कर लिया, लहसुन डाल लिया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्ची, साथ में कुछ मसाले जो कि इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट हैं इसके लिए। तो मिर्ची फ्रिज में रखी थी नीचे एकदम, इसलिए मुझे लाने में थोड़ा टाइम लग गया। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप चीज़ें खोजते हैं तो वो मिलती नहीं है। और इसमें साथ में ऐड कर रही हूँ मैं पुदीना की पत्तियाँ, एक चम्मच डेढ़ चम्मच के आसपास मैंने अमचूर का पाउडर डाला है। और ये भरवा वाली जो मिर्ची होती है जो सबके घर में मिलती है वो डाला है, थोड़ा सा हींग का पाउडर, और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि अमचूर भी खट्टा है और अचार में पहले से नमक होता है, तो अलग से बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए हमारा ये स्टफिंग वाला जो मैटर है वो बिल्कुल बन करके तैयार है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे, इसको सीधे हम बैगन में जो चीरा लगाया है उसमें स्टफ़ करके और फ्राई कर लेंगे, है ना बिल्कुल आसान। तो चलिए पैन में डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल, मतलब 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाला है मैंने क्योंकि थोड़ा अच्छे से हमें इसको फ्राई करना है। मसाले सारे कच्चे हैं, प्याज लहसुन सारी चीज़ें, तो पकने के लिए थोड़ा सा ऑयल तो लगेगा ही। अब सारे के सारे बैगन में हम इसको स्टफ़ कर लेंगे ऐसे थोड़ा सा फैलाने के बाद, और उसमें आराम से दबा दबा के ये सारे मसाले हमें भर लेने हैं। आप चाहें तो बैगन में ना हल्का सा स्टीम कर सकते हैं ताकि थोड़े से बैगन आपके मतलब सॉफ्ट हो जाए, पर मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, ऐसे डायरेक्टली भी स्टफ़ करती हूँ और कभी कभी जो बैगन है ना इसको हल्का सा मैं फ्राई कर लेती हूँ तो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ताकि मसाला भरना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आज फ़िलहाल मैं कच्चे बैगन में ही भर के बना रही हूँ क्योंकि मसाले सारे कच्चे हैं ना, तो इसलिए। और अगर आप चाहें तो ये जो हमने मसाला बनाया इसको भी आप थोड़ा सा तेल डाल के हल्का सा स्टर फ्राई कर सकते हैं ताकि मसाले भी थोड़े से पक जाएं। सारे बैगन में 1 by 1 ऐसे करके आप भर लीजिएगा। और हाँ, मसाले थोड़ा दबा दबा के भरिएगा क्योंकि बैगन जब थोड़ा सा पकता है ना लूज़ होता है तो सारे मसाले बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। लास्ट वाला जो बैगन था ना उसको मैंने 4 चीरा लगा दिया था तो थोड़ा खुल खुल सा गया था, लेकिन देखिए सारे बैगन ऐसे बहुत अच्छे से एक ही बार में मेरे पैन में सेट हो गए। और एक बार इसको हम खोल के बीच में उलट पलट लेंगे, पलटते टाइम थोड़ा सावधानी रखनी है ताकि हमारा जो मसाला है ना बाहर ना आ जाए। तो 2 चम्मच या फिर रोटी पलटने वाले चिमटे की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए स्टफिंग वाले साइड में पलट दीजिएगा, या फिर आप 2 चम्मच की मदद से आप इसको उलट पलट सकते हैं ताकि मसाले हमारे बाहर ना आए।
और मसालों को बाहर नहीं आने देने के लिए आप चाहे ना तो इसमें बहुत पतले से बना करके घोल इसका क्या बोलते हैं कॉर्नफ्लोर या फिर बेसन का एक हल्का सा कोट भी इसके ऊपर कर सकते हैं और उसके बाद फ्राई कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। वैसे भी मैं बनाती हूँ कभी कभी तो मसाले बिल्कुल भी बाहर नहीं आते जब मैं इनके स्टफिंग वाली जगह पे ना बेसन की पतली सी कोटिंग कर देती हूँ। तो देखिए एक साइड से तो ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। कैसी लगी है आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नई और अपनी अलग रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल पे। कैसी लगती है रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।